क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। जबलपुर बैडमिंटन संघ के तत्वावधान में जिला स्तरीय स्पर्धा दो दिनों से आयोजित। जबलपुर बैडमिंटन संघ के तत्वावधान में महाराष्ट्र व्यायामशाला में जिला स्तरीय स्पर्धा दो दिनों से आयोजित की गई। इसका समापन पुरस्कार वितरण के साथ आज होना है। प्रतियोगिता में करीब 250 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें 30 लड़कियां भी शामिल हैं। जबलपुर बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष का कहना है कि इस प्रतियोगिता में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ियों ने भाग लिया है। मेरा अभिभावकों से कहना है कि वो अपने बच्चों को खेल के प्रति सहयोग दें, ताकि बैडमिंटन के क्षेत्र में भी खिलाड़ी पूरे देश में अपना परचम लहरा सकें और अपने माता पिता सहित शहर का भी नाम रोशन कर सकें। हाँ जी, जिला स्तरीय बैडमिंटन स्पर्धा जो जिला बैडमिंटन संघ जबलपुर के तत्वाधान में यहाँ विगत दो दिनों से महाराष्ट्र व्यायामशाला के सहयोग से, महाराष्ट्र व्यायामशाला जो हैं इनके पदाधिकारियों के सहयोग से और जिला बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। आज ये अपने अंतिम पड़ाव पे है। इस प्रतियोगिता में नगर के लगभग 225 से 250 खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 30 लड़कियां हैं। निश्चित रूप से इसमें कुछ बहुत अच्छे खिलाड़ी इसमें देखने को मिले हैं, और इसी तरीके से अगर ये खिलाड़ी सतत अभ्यास करते रहें और अभिभावकों का और ज़्यादा सहयोग मिले, वो अपने बच्चों को इसमें कि खेल से भी वो अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, इस बात को समझते हुए अगर वो खेल के प्रति बच्चों को और आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से संस्कारधारी जो खेलधानी भी कहलाती है, एक दिन बैडमिंटन के क्षेत्र में भी अपना परचम पूरे भारत में लहराएगी। मैं अजय श्रीवास्तव, अध्यक्ष जबलपुर जिला बैडमिंटन संघ। जबलपुर से कदीर खान की एक रिपोर्ट।